12 लाख लोग गए हैं कतर में फुटबॉल एंजॉय करने, मगर कतर में घूम रहा है कोविड-19 जैसा ही एक जानलेवा वायरस। क्या कतर बन सकता है एक नए पैंडेमिक का एपिसेंटर? क्या 12 लाख लोग हैं इस वायरस के रिस्क ग्राउंड में? क्या है ये वायरस और क्या हमें भी लगना चाहिए इससे डर? हेलो, हाय, गुड बाय तो बाद में होता रहेगा, पहले मसले की बात कर लेते हैं भैया। तो बात ये है कि वैसे तो हर इंसान ही आजकल फीफा करता घूम रहा है, हर किसी को फीफा में इंटरेस्ट आ रहा है। मतलब मुझ जैसे इंसान को जिसने फीफा का शायद एक भी मैच नहीं देखा होगा इससे पहले, मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। मैं भी एक्सप्लेनर्स पर एक्सप्लेनर्स बनाती जा रही हूँ, मगर इस समय हम बात करेंगे कुछ सीरियस स्टफ की। तो जी, एक वायरस घूम रहा है कतर में और इसके बारे में कोई भी बात करने को तैयार नहीं है सिवाय अनकट के, ऑब्वियसली। क्या है ये वायरस, कहाँ से आया है, चलिए आपको थोड़ा हम बताते हैं। बेसिकली इस वायरस को कैमल फ्लू कहा जा रहा है। इस वायरस का साइंटिफिक नाम है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी कि MERS। मगर अब इतना बड़ा कौन बोले, तो इसे कैमल फ्लू ही कहते हैं। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि कोविड-19 चमगादड़ों से आया है, वैसे ही रिसर्चेस में पाया गया है कि MERS भी ड्रोमेडरी ऊँटों से आया है। अब ड्रोमेडरी ऊँट क्या है वो भी आपको बता देते हैं। तो जी, अरबी ऊँटों की एक नस्ल को ड्रोमेडरी कहा जाता है, जो स्पेसिफिकली दौड़ने या फिर रेस वगैरह में काम आते हैं। ये बीमारी एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफर हो सकती है और हुई है, ऐसा रिसर्चर्स कहती हैं। और ये कोविड-19 से भी ज़्यादा खतरनाक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, ये मैं नहीं WHO कह रहा है। जी हाँ, उनके एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। पहली बार ये फ्लू 2012 में सऊदी अरेबिया में पाया गया था। इसके कॉमन सिम्टम्स हैं, आपको फीवर हो सकता है, खांसी हो सकती है, सांस का कम आना हो सकता है, निमोनिया भी बहुत कॉमन है, डायरिया और बाकी पेट की दिक्कत भी आ सकती है। WHO के मुताबिक उनके पास जितने भी कैमल फ्लू के केसेस आए हैं, उनमें से 35% की मौत हो गई है, यानी कि फिलहाल इसका मोर्टेलिटी रेट 35% है, बहुत ज़्यादा है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए कतर जाने वाले यात्रियों को भी कहा गया था, उन्हें वार्निंग दी गई थी कि भैया कुछ भी करें, ऊँटों को ना छुएं, आपको इन्फेक्शन हो सकता है। मगर फिर भी कैमल राइड्स वहां पर अभी भी एडवर्टाइज की जा रही हैं जोरों शोरों से और टूरिस्ट को इससे अट्रैक्ट किया जा रहा है। आपको बता दूं कि WHO ने हाल ही में MERS में पूरी पोटेंशियल पाई है एक पैंडेमिक बनने की। तो मामला यह है कि पता है कि रिस्क है, मगर लगता है सब कह रहे हैं कि भैया रिस्क है तभी तो फुटबॉल का इश्क है, सर पर कफन बांधकर चल रहे हैं। एक पैंडेमिक से हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या हम दोबारा दुनिया को उसी मोड में डालना चाहते हैं जिससे हम अभी अभी उभरे हैं। सोचिए इस पर जरा और हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या हम सीरियस हैं ऐसे वायरसेस को लेकर के। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, हमसे इंगेज करें कमेंट बॉक्स में। मैं आपसे ऐसे ही किसी वीडियो में अगली बार मिलूंगी कुछ अच्छी और इम्पॉर्टेंट जानकारी देने विद अ नाइस अनकट फ्लेवर। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अनकट।